तमिलनाडु के कोयम्बटूर और सुलूर के बीच कुन्नूर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस MI-70V5 हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत और उनके परिवार के कुछ लोग सवार थे। अभी तक जो खबरें सामने आई हैं उसके अनुसार हादसा खराब मौसम की वजह से हुआ है। जहां हादसा हुआ है वहां इलाका बहुत ही घना है। बताया जा रहा है कि CDS जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी एक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर दिल्ली लौट रहे थे, तभी एयरफोर्स का MI-70V5 हेलीकॉप्टर नीलगिरी के जंगली इलाके में क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि 3 लोगों के मलबे में से शव बाहर निकाले गए हैं, बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।